हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप क्लासेस। आपका स्वागत है कश्यप क्लासेस नीट क्रैकर में। आज हम आपको जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक, टेट, पीओ और रेलवे में पूछे जाते हैं। यस फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये विभिन्न टॉपिक से लिया गया है, जो क्वेश्चंस जो है ये एग्जाम से पुट अप होते हैं। यस फ्रेंड्स, आप सबसे पहले हमारे चैनल कश्यप क्लासेस नीट क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिए। यस फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स, जिससे इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। यस फ्रेंड्स, आप एक नोटबुक में मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ उसका आंसर भी है, आप उसे नोट करते जाएं। यस फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? आंसर है सामवेद। अगला क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है टॉलमी। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहयान भारत यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन जो कि साइंस रिलेटेड है और बायोलॉजी से है, होमोसाइपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? यस फ्रेंड्स, होमोसाइपियंस का शाब्दिक अर्थ ज्ञानी मानव है। होमोसाइपियंस ये जो वर्ड है ये जूलॉजिकल वर्ड है, यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम है। यस, अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? आंसर है अजात शत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? आंसर 386,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वलित पर्वत का उदाहरण है? इसका आंसर है, वलित पर्वत के कई उदाहरण हैं, मैं बोल रहा हूं इसमें से कोई भी ऑप्शन आएगा आप टिक मार दीजिएगा फ्रेंड्स। यस, वलित पर्वत के उदाहरण हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज तथा एंडीज। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि बंगाल में स्थित है, भारत। अगला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जो कि चक्रवात से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? आंसर है हरिकेन और टॉर्नेडो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा आप टिक कर देंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, मलेशिया की राजधानी क्या है? आंसर है कुआलालंपुर। यस फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, पुस्तक कादंबरी के रचनाकार कौन है? आंसर है बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, फैक्स FAX, फैक्स का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है फार अवे जीरोक्स। अगला क्वेश्चन, कोयले का सबसे उत्तम कोटि क्या है? आंसर है एंथ्रेसाइट। अगला, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? आंसर CaOCl2। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में
सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? आंसर है फीमर। अगला क्वेश्चन, WWF जिसे वन्य जीव संरक्षण कोष कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, ECG का पूरा नाम क्या है? आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो नदी परियोजना है, इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यह जो क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिलेटेड मिलता है, मिस नागार्जुन चाहे कोई भी जो है बहुउद्देशीय परियोजना है उसे क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है। यहाँ पर मैं नागार्जुन जो है सागर परियोजना को बता रहा हूँ। यह जो है नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश। अगला, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आंसर है सन 2006 में। अगला क्वेश्चन, पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृति है। देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन होगा जो कि पवन यानी हवा के द्वारा जो है ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन होगा आप टिक कर देंगे। इसका ऑप्शन है ज्यूगेन, यारडंग, इनसेलबर्ग और छत्रक सैल। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से रिलेटेड, माउंट एटना ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? आंसर है माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी है, यह इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? आंसर है नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 जून। अगला क्वेश्चन, जनजाति से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उसमें जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है। इस बार ध्यान दें मित्रों, संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर है झारखंड। यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यस फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल कश्यप क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड तथा अन्य स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।